आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। आप खा रहे हो, आप ना रहे हो, आप घूम रहे हो, कुछ भी घर में कर रहे हो, होटल में कर रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी कुछ भी बगैर किए भी लाखों आशीर्वाद अपने आप आता ही रहे, वो किसको था? सबको। देखो, आप सो रहे हो, आप किसी संत के चरण में नहीं हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, फिर भी आशीर्वाद पहुंच रहा है, कौन कौन मना करेगा? कोई नहीं। तो ऐसे कैसे होगा महाराज? हम तो सो रहे हैं लेकिन आशीर्वाद कैसे आएगा बेटा? कैसे होगा ये जादुई चीज मैंने बनाई। मैंने सोचा इंसान को कितना भी भक्ति करने बोलूं करते नहीं है, लेकिन वो कृपा तो पाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ये पृथ्वी खुशहाल होना तो प्रभु की कृपा से ही होगा, और जरूरी नहीं कि हर आदमी आस्तिक होगा, नास्तिक भी होगा। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक चीज बनाऊं जिस चीज की शक्ति से अपने आप कृपा अंदर आए, वो चीज मेरी है ये। देखो इसको पढ़ो, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको अपने मेन डोर पर लगा देते। अब उधर से गली से आप सो रहे हो, अंदर गली से कोई जा रहा, अब इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग किस लिए लगाए? कोई भी पढ़ेगा देख के, इसलिए। अब आपके घर पर लगाया है कोई, अरे इनके घर पर क्या लिखा पढ़ू, वो आपके घर को देख के बोलेगा भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। हर आदमी ऐसे बोलता जाएगा। अभी लाखों लोग किसी मंत्र को रटते हैं तो वो सिद्धि नहीं हो जाती, तो कितने बार एक दिन में जाने आने वाले पढ़ते जाएंगे। आपका पड़ोसी अगर दुश्मन ईर्ष्यालु है, उसको पहले लगेगा कि मेरा दुश्मन ने क्या इधर लगाया पढ़ूं, वो गुपचुप तिरछी नजर से पढ़ने की कोशिश करेगा, जाते जाते क्या लिखा, वो आपके घर को देख के बोलेगा आपका दुश्मन भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको मिले। दुश्मन के मुंह से भी आशीर्वाद मिला देता है, ये शक्तिशाली चीज है। दुश्मन के मुंह से भी क्या आ जाएगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रकट हो जाएगा। तो अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा। तो ये घर के बाहर लगा देंगे, हम भी जब घुसते हैं तो अपना नजर पड़ेगा उस घर को, ब्लेसिंग्स मिलता ही रहेगा, उस घर को कृपा मिलती रहेगी। लाखों लोग उस घर को देख के रोज जाने आने वाले, साइकिल में जाने वाले, पैदल जाने वाले, या सामने फ्लैट वाले, कोई भी बोलते रहेंगे कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। क्या हो जाएगा? ज्ञान मिल जाए, क्या आएगा? धन खूब मिले, शक्ति। तो ये इतनी छोटी दो लाइन की बात है, लेकिन पूरे गागर में क्या भर दिया। आज मेरे हाथ से ये गागर में सागर सबको दे रहा हूँ। क्या करना है? हंसो हंसते रहे, तुम पहले इसको सुधार के लाना अगली बार आने के पहले। बहनों आशीर्वाद क्या है? तुम्हारे कहीं घूमने जाती हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ? नहीं नहीं, कहाँ कहाँ घूमने गई आज तक, लिस्ट निकालो। देखो हाल, तू फिरने जाती हो के नहीं, शिमला गई हो के नहीं, कहीं तो घूमने गई, वो मैं इधर का जानता नहीं, बाकी तुम्हारा गांव बता दूं के कहाँ से। कहीं तो हम फिरने जाते हैं, तब सब आशीर्वाद मांगते हैं। फालतू में उधर बेलपूरी खाने जाते हैं, इधर पिक्चर देखने जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं। कृष्णगिरी आने के लिए मन में एक दृढ़ इच्छा होनी कि संसार में तो बहुत लटका, अब मैया के चरण में, गुरु के चरण में मुझे जाना है। जैसे इधर आई हो वैसे उधर भी पहुंचो। माँ जगत जननी, मैं लिख के देता हूँ, ये मैं अभी लिख के साइन कर देता हूँ, कृष्णगिरी आने के बाद कोई दे कह दे कि इससे सुंदर और शक्तिमय क्षेत्र मैंने देखा है, तो मैं साधुपना छोड़ दूंगा। देख नहीं देखा, कौन आए हैं वो बोले कि उससे शक्ति देखी कहीं? नहीं देखी। तो बाकी लोग समझदार बन जाओ, मेरे से आशीर्वाद आने के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना, क्योंकि वो जगह ही आशीर्वाद देने वाला है। तो हम स्वतः ही जाना, भूख लगेगा इसलिए रसोई में खुद जाते हैं कि मेरे से आशीर्वाद,
गुरु महाराज आशीर्वाद दो, मैं रसोई रूम में जाऊं, रसोई बनूं, अरे नहीं खाऊंगी तो मरूंगी, अपने आप रसोई में घुसते टट्टी लगे, महाराज टट्टी लग रही है, आशीर्वाद दो आप, आशीर्वाद दो तो मैं जाऊं थोड़ा टट्टी करके आऊं। जब अपनी सभी आवश्यकता के लिए खुद दौड़ते हैं तो कृपा तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता में होनी चाहिए, कृपा पाने के लिए खुद दौड़ना, उसमें मेरा सब बुद्धि से जाना। सुंदर लग रहा है, माँ को बोलता हूँ कि माँ तेरे इस रूप ने घर के बाहर स्थान पकड़ लिया तो इनके घर में घुसने वाले शैतान अपने आप बाहर से भाग जाएंगे। इनके कौन पहरा दे रही है, साथ में सिक्योरिटी कौन खड़े हैं, पहले ही बोल दिया कि सिक्योरिटी को भूलोगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए छापने वाले मेरे से पूछ के नहीं छापाई, किसी भक्त ने छाप के इतना सारा लाके दे दिया। इसको आप गम लगा के चेप देना दरवाजे के अंदर, वो ऐसी जगह चेप ना करके बाहर जहाँ सब लोगों का नजर पड़े। इसका काम ये नहीं है कि दरवाजे पर ही चिपे, कई लोगों के दरवाजे के बाहर कंपाउंड दीवार होता है, घर द्वार नहीं दिखता दरवाजा, तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ सब लोगों का नजर पड़े, इसका काम वही है। जो भी पड़े ना वो बोलता रटे आपके लिए आशीर्वाद देता फिरे के भगवान आपका भला करे, ज्ञान भगवान आपका भला करे। देखो ये भला करने के लिए गुरुदेव कितनी आपके लिए श्रम करते हैं। गुरुदेव ने सुबह से अभी तक ना तो एक दाना चावल मुंह में डाला है, ना एक बूंद दूध मुंह में डाला है, पूरे भूखे ही हैं पूरी तरह से, और आपको ज्ञान दे रहे हैं। नहीं तो इतनी देर में एक साधु पांच बार पानी नहीं पी ले, हाँ एक बूंद नहीं कुछ मुंह में लिया, आपके लिए भजन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सुखी हो, मेरा तो यही सोच। ये किसी भाई ने लाके दिया मेरे को, बिलवाड़ा वाले ने इतना सारा, मैं क्या छाप के क्या, मैंने इसमें स्वस्तिक लगवाया है क्या, ये छापने वाले से नहीं, मैंने वीडियो में बोला था उसको देख के इसने बनाया, उसमें मैंने बोला था स्वस्तिक घर के सामने होगा तो ये स्वस्तिक के चारों कोने में सकारात्मकता घुस के घर को पूरा पॉजिटिव करेगा, ये ओमकार जो है घर को पूरी तरह से नकारात्मकता बाहर फेंकने वाला, ये कलश जो है ये समृद्धि को घर में भरेगा, इसको साइकोलॉजी सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के चिन्ह है, जो कलश भरा हुआ है इसका अर्थ क्या है, समृद्धि भरी हुई है। हाँ तो किसको समृद्धि चाहिए, चलो उन सबको मैं ये दे रहा हूँ। आपका भी कितने दिनों से यहाँ हूँ, आज आए हूँ, कोई ये मिल रहा है,